और जहां एक ओर सूबे की योगी सरकार क्राइम कंट्रोल करने का दम भरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जनपद लखीमपुर में उस समय देखने को मिला जब करीब एक दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी जिससे युवक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने आनंद फानन में शाहजहापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद सीओ श्रेष्ठा ठाकुर ने युवक के बयान लिए और युवक को बरेली रेफर कर दिया। रामा सामा पवन अवनीश अंकुर पवन वाजपेयी आदर्श वाजपेयी रजनीश अवनीश अब इनको कहना है सत्यपाल राहुल। किस बात को लेके गोली मारी है तुमको? क्या भैया पता ना हमारे कुछ हो ना हमारे घर में कुछ पर पता ना। लगभग कितने क्या लोग थे ये लोग? दर्पंदरा लोग। कोई पुरानी रंजित राजू पुरानी रंजित गामान मेरे एक ताऊ थे उनके कानून ने समझने कौन चौरासी मामा उन्हें मार दो उनके पिताजी ने अपनी ताई रजनी ताई अंकुर आए आदर्श वाजपेयी पवन वाजपेयी अमित। आज इन लोगों ने कहाँ पे घटना को अंजाम दिया है? अरे घर माँ भैया घर माँ घर में घुस के मारा घर माँ घुस के मारो। क्या ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं? हाँ भैया दबंग के दिन लोग हैं। ये अभी मुझे आधे घंटे हम लोग को सूचना हुई है कि किसी गांव में किसी बात को लेके विवाद तो शायद बंदर उन्दर को लेके बंदर को भगाने को लेके विवाद तो इन दोनों पक्षों में आपस में गोली चली है। इसमें घायल है। मैं अभी अस्पताल आई हूँ अंतिम इसके बाद यहाँ जिस तरीके से ये लोग ठहर गए उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करी जाएगी। थैंक यू। सोनेन्द्र यादव उम्र 26 साल पिता का नाम छोटेलाल निवासी रतनपुर थाना बसगवा लखनऊ खीरी को उनके भाई विनोद यादव यहाँ लेके आए थे। उसके पेट में गोली लगी है और एक बाईं तरफ घाव भी है तो ऐसा लग रहा है कि गोली आर पार हो गई है। मरीज की कंडीशन गंभीर है, भर्ती करके इलाज किया जा रहा है।